नमस्कार, बोल स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ खास योगासन जो कि घुटने एवं नितंब के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे किया जाता है ये खास आसन। इसे करने के लिए सबसे पहले सुखासन या दंडासन में बैठ जाएं, दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें, बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें तथा दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे लगाते हुए घुटने को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटने को दबाते हुए जमीन पर टिका दें। इस तरह ऊपर और नीचे 8-10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर को मोड़कर दाएं जंघा पर रखकर पहले के समान करें। अब अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इसी प्रकार कई बार इसे दोहराएं। कुछ देर ये आसन दोहराने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। बात करें अगर इस आसन से होने वाले फायदों की, तो ये आसन नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहाँ पर बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे आप पद्मासन में भी सरलता से कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया घुटनों एवं नितंबों के लिए खास आसन। उम्मीद करते हैं ये आसन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप इसका अभ्यास भी करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ऐसे आसन के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल स्काई में बस इतना ही।